और ये देखें ये लाइन वन लिखा गया, इसमें मैं आपको बताता जाऊँ कि इसमें दो फंक्शन दो आउटपुट है मेन की वापडा की, जो एक है इनपुट और आउटपुट है वो दो है। देखिए ये लाइन वन आ रहा है, लाइन टू आ रहा है, और साथ में इधर ये VA बताता है कितना लोड है इसके ऊपर चल रहा, ठीक है। ये देखिए ये VA कितने VA इस पर वन लाइन पे चल रहे हैं और टू लाइन पे कितने वाटर चल रहे हैं ये बताता है इसमें। और इसमें आप काफ़ी सारी सेटिंगें दी हुई हैं इन्होंने, और ये नया मॉडल आया है क्राउन का, तो कुछ दोस्तों ने ये लगाया होगा। और साथ में सेटिंग भी जो दोस्त लगाते हैं वो चाहते हैं कि यार मैं ये खुद सेटिंग इसकी करूं, तो वो दोस्त हमारे जो खुद सेटिंग करना चाहते हैं वो यहां से देख के कर सकते हैं। मैं आपको इसकी लाइन वन वापडा और आउटपुट वाली और लाइन टू भी दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, इसमें ना आउटपुट वाली एसी आउटपुट वन एसी आउटपुट टू इन्होंने वन और टू दी हुई है, और अंदर में इसमें साथ में कटआउट लगाया हुआ है जिसे हम रिले कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको वापडा लगा के भी दिखाता हूँ कि वापडा पे ये फ्लोटेड चार्जिंग भी शो करवाता है, और साथ में ये दोस्तों करवाता है इस पर बल्क चार्जिंग भी, ये दोस्तों डिस्प्ले पे ही सब कुछ शो करवा देता है। आप देखना ये 23.8 वोल्ट यूज़ बैटरी के वोल्टेज शो करवा रहा है, नीचे 239 वोल्ट वापडा के शो करवा रहा है, 38-39 देखें ये बाईपास कर दिया। अब देखें बैटरी जा चुकी है 29.2 पे, और ये चार्जिंग कर रहा है, चार्जिंग के दौरान आपको बता रहा है कितने वोल्टेज बैटरी में है, ऊपर ही बता रहा है। एक डिस्प्ले पे सब कुछ आ जाता है, इसमें बार बार बटन दबा के देखना नहीं पड़ता दोस्तों कि कौन सी कहाँ पे अब क्या कर रहा है, सोलर से कितने एम्पेयर आ रहे हैं, बैटरियों से वापडा कितने एम्पेयर दे रहा है, या हम यूज़ कितने कर रहे हैं, ये खुद ही डिस्प्ले पर सब कुछ बताता रहता है। रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने प्यारे दोस्तों के साथ क्राउन 3.6 kW का सोलर इन्वर्टर शेयर करने लगा हूं। रिव्यू के साथ साथ आज मैं आपको इसकी सेटिंग के बारे में और साथ में दोस्तों इसके फंक्शन जो भी होते हैं इसमें सभी चीज़ों के बारे में आपसे शेयर करूँगा। और चार साल की इसकी वारंटी है, ठीक है। और मैं आपको सेट चला के दिखाता हूँ कि इस डब्बे में कौन सा सेट आता है, क्योंकि ये नए मॉडल आए हैं और नए मॉडलों ने क्या किया, जो इसका डिस्प्ले है ना वो चेंज कर दिया, वो थोड़ा सा ना बड़ा कर दिया, और जैसे आजकल आ रहे हैं ना विरॉन वाले वैसा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे ऑन किया, मैंने दोस्तों सेटिंग इसकी सारी कर दी है, लेकिन आपको बताने के लिए दोबारा मैं इसकी सेटिंग करूँगा, ठीक है। बल्कि आपको बताऊंगा कि इसकी कैसे सेटिंग होती है, और मैं आपको इसके साइड वाली पर्ची पे दिखाता जाऊं कि ये 3600 VA और 3600 वाटज है, और इसमें जो MBBT कंट्रोलर इन्होंने इस्तेमाल किया वो 4000 वाट का है। आप इसके साथ 4000 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हो, चाहे वो 400 वाट के हैं और चाहे वो 540 वाट के हैं। तो ये दोस्तों कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, क्राउन का सोलर इन्वर्टर। और मैं अब आपको इसकी सेटिंग के बारे में बताता हूं कि अगर आपके पास खुश्क बैटरियाँ लगी हुई हैं, या आपने ट्यूबलर लगाई हुई हैं, या आपने इसमें छोटी बैटरी लगाई है, तो आपने इसकी सेटिंग कैसे रखनी है दोस्तों। इसके ऊपर जो है आप जो लगी हुई हैं वो ट्यूबलर बैटरी हैं, तो ट्यूबलर बैटरियों की सेटिंग जो है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये इंटर, ये दोस्तों ये देखें इंटर वाला, ये टच है, ये सभी के बटन जो है ना ये टच है, तो आपने क्या करना है इंटर वाला बटन कुछ देर दबा के रखना है। कुछ देर दबाने के बाद देखें ये सेटिंग आ जाएगी ज़ीरो वाली, ESC एग्जिट वाली। इसके बाद आप डाउन वाला एरो दबाओगे तो ये SUB पे दोस्तों मैंने सेटिंग की है इसकी, कि सबसे पहले ये सोलर से काम करेगा, फिर ये वापडा पकड़ेगा और एंड पे बैटरी चार्ज करेगा, बैटरी से उठाएगा वोल्टेज। अगर वापडा भी नहीं है हमारे पास और सोलर भी नहीं है, फिर ये बैटरी को यूज़ करेगा। और इससे आगे वाली APL, ये मैंने दोस्तों आपको बताया हर वीडियो में कि APL जो होते हैं ये
काम वापड़ा काम आ रही हो तो इसमें इस्तेमाल होते हैं ये APL वाला फंक्शन। तो APL से आगे चलते हैं तो दोस्तों इसमें आगे मैंने इसकी ना यूज़र पे की है सेटिंग, क्योंकि आगे जाके मैंने इसकी जो सेटिंग यूज़र पे इसलिए रखी है कि जो फ्लूटेड चार्जिंग है और बल्क चार्जिंग है वो मैंने अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर सेट की हुई है, इसलिए मैंने इसकी जो सेटिंग है वो यूज़र पे रखी हुई है। वैसे इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे आप AGN पे भी रख सकते हो, FLD पे भी रख सकते हो और यूज़र पे भी रख सकते हो। यूज़र पे दोस्तों रखने से इसकी जो सेटिंग है आगे वाली फ्लूटेड और बल्क चार्जिंग ये आप चेंज कर सकते हो, मैंने इसलिए ये यूज़र पे रखी थी सेटिंग। और 6 नंबर और 7 नंबर आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और 9 नंबर भी डिफ़ॉल्ट रहने देनी है सेटिंग दोस्तों। और इसके अलावा चलते हैं आगे 10 नंबर वाली सेटिंग ये आप दोस्तों अगर आपको 230 वोल्ट चाहिए तब भी, और अगर आपको 220 चाहिए आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट कर सकते हो इसकी, ठीक है। इससे आगे चलते हैं दोस्तों यूटिलिटी से, कितने एम्पीयर पे ये बैटरी चार्ज करे, तो दोस्तों मैंने इस पे रखे हुए हैं 30 एम्पीयर, ठीक है। तो 11 नंबर वाली सेटिंग से आगे चलते हैं तो ये आ गई 12 नंबर वाली सेटिंग दोस्तों, 23.5 वोल्ट बैटरियों में बैकअप रह जाएगा तो ये वापडा यूज़ करेगा जब सोलर नहीं आ रहा होगा, तो ये वापडा को खुद ब खुद अटैच कर लेगा, पकड़ लेगा जिस वक्त इसमें 23.5 वोल्ट रह जाएंगे। आप इससे भी कम रख सकते हो कि ज़्यादा बैटरियाँ यूज़ करें और उसके बाद ये वापडा ले, 23 पे भी रख सकते हो, 22.5 पे भी रख सकते हो, लेकिन मैंने बैकअप छोड़ा इसमें। और 13 नंबर वाली जो इसकी सेटिंग है वो मैंने की है इसकी एडजस्टमेंट फुल पे, इसमें दोस्तों आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हो, 29 पे भी रख सकते हो, 28.5 पे भी रख सकते हो। और वैसे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी आती है 28.5 वाली आती है, मैंने इसका फुल पे रख दिया ऑटोमेटिकली, जैसे ही बैटरियाँ फुल होंगी उस वक्त ही ये ट्रिप करेगा, उसके पहले ये ट्रिप नहीं करेगा। और इससे आगे वाली सेटिंग दोस्तों सोलर और यूटिलिटी के दोनों मिलके बैटरियों को चार्ज करें या फिर अकेला सोलर करें, दोस्तों इसमें आपकी चॉइस, आप जो रखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और इससे आगे चलते हैं, ये बहुत जल्दी रीसेट हो जाता है, वापसी आ जाता है। तो आगे आगे 18 नंबर वाली सेटिंग बीप ऑन और 19 वाली डिस्प्ले एडजस्ट और लाइट ऑन, 20 नंबर पे लाइट ऑन आ गई और इसके आगे अलार्म आ गया दोस्तों। और ये तकरीबन ये वाली जो है ये डिफ़ॉल्ट ही रखनी है सेटिंग, 25 नंबर वाली भी डिफ़ॉल्ट रखेंगे। ये देखें ये आ गई अब बल्क चार्जिंग, ठीक है, इसको मैंने रखा हुआ है 29.2 पे और फ्लूटेड को रखा हुआ है 27.5 पे। और इससे आगे जो है लो कट ऑफ बैटरी, यानी कि बैटरी कितनी देर, बैटरी में कितने वोल्ट रह जाएँ तो ये वापसी बैटरियों से बंद हो जाए, तो वो मैंने रखा हुआ था 21 पे। तो ये 30 नंबर वाली सेटिंग आ गई दोस्तों, इससे आगे आ गई 31 नंबर वाली सेटिंग इको वाली, तो इसे मैंने 29.2 पे रखा हुआ है। और इससे आगे आ गई दोस्तों 33 नंबर सेटिंग, इसमें दी हुई है कि ये बहुत जल्दी बैटरियाँ चार्ज कर सकता है, यानी कि ये मिनट हैं, जो 100 नीचे लिखा हुआ है ना ये मिनट हैं दोस्तों, कि आपको कितनी देर में बैटरियाँ चार्ज चाहिए। अगर ये इको पे चला जाता है तो आप इसको 70 मिनट पे भी कर सकते हो, आप इसको 65 मिनट पे भी कर सकते हो, 60 मिनट पे भी रख सकते हो कि यार ये 60 मिनट से बैटरियाँ उठा ले, बहुत तेज़ी से चार्ज कर ले। लेकिन दोस्तों मैंने इसे रखा हुआ है 100 मिनट पे, 100 मिनट पे रखने का ये दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि हमें बैकअप जो है वो अच्छा मिलने को देख मिलेगा, तो इसलिए मैंने इसको जो है वो 100 मिनट पे सेट किया हुआ है। तो दोस्तों मैक्सिमम यही इसकी सेटिंग होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और दोस्तों से शेयर कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ, आपके दोस्त मोहम्मद अकरम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।